छतरपुर जिले के गौरिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डी गांव के पास ग्रामीणों से भरी ऑटो टैक्सी खाई में गिर जाने से 6 लोग घायल हो गए थे। घायलों में से एक घायल युवक की छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बीते रोज गौरिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत खड्डी गांव के पास ये दुर्घटना हुई थी। मोड़ पर अनियंत्रित होकर टैक्सी पलटी थी और इस टैक्सी के पलटने की वजह से आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। टैक्सी में लगभग 10 लोग सवार थे और ये सभी ग्रामीण परेई खड्डी आदि गांवों से सवार होकर गौरिहार की ओर आ रहे थे और जब खड्डी गांव के आगे एक मोड़ पर टैक्सी चालक ने टैक्सी पर नियंत्रण खो दिया तो अनियंत्रित होकर टैक्सी खाई में जा गिरी थी और इस घटना में 6 लोग घायल हुए थे। घायलों को गौरिहार अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था। घायलों में एक महिला भी शामिल थी। घायलों को डायल 100 की मदद से गौरिहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था और वहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को छतरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बाद इलाज के दौरान बीती देर रात रमेश अनुरागी पुत्र सजीवन अनुरागी उम्र 35 वर्ष निवासी छपरा थाना चंदला की इलाज के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का इस घटना के बाद बुरा हाल है। मृतक युवक के शव का पीएम आज छतरपुर जिला अस्पताल के मर्चुरी में कराया गया है और शव परिजनों को सौंपा गया है। वहीं शेष घायलों का इलाज छतरपुर जिला अस्पताल में अब भी जारी है। वहाँ ऑटो में बैठे थे, इतने मंत्र में गए थे, ऑटो में बैठे थे, वो ऑटो पलट गई खड्डी से आते हुए एक मोड़ पर हल्की थी, उस मोड़ में टेम्पू तेजाई में थी, उसने काट नहीं पाई, उसे ही मुड़ गई नीचे रोड को उतर गई, फिर वहाँ ये दुर्घटना हो गई। फिर वहाँ पर अस्पताल कैसे पहुँचे? उस पर अस्पताल फिर उसको फोन किया थाने को, पुलिस आई साथ में, फिर वो ले गई जिला अस्पताल कैसे? हाँ, तो फिर वहाँ दबा गोली भाई दो दो इंजेक्शन लगे उनके और उनने रेफर कर दिया जिला अस्पताल। हाँ, जिला अस्पताल। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर आए तो हम कागज तागज बनवा करके भर्ती अर्ती किया और जो बोतल भी उनने लगाई, बोतल लगा करके एक बोतल भर चढ़ गया उनके पास। रात्रि में, रात के दौरान मौत? रात्रि में, रात के 10 बजे। क्या चल रहा है अब उसको? ये चल रहा है, पोस्टमार्टम चल रहा है।